होप यू ऑल आर वेल। सो आज मैं आपसे रिव्यू करने वाली हूँ जाबर गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लिंजर का रिव्यू एंड डेमो। या आई नो कि अभी मैं थोड़ा सी वियर्ड लग रही हूँ जस्ट बिकॉज मैंने किया है स्विस ब्यूटी हॉलीवुड आई शेडो पैलेट का रिव्यू एंड स्वच भी किया है एज वेल एज मैंने थोड़ा से आईज पे भी अपने कुछ शेड्स ट्राई करके दिखाए उस वीडियो में। सो वो वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। एंड या आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओप्स, मैं डेमो भी दिखाने वाली हूँ। या सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। So yeah guys, this is the outer packaging of this cleanser और I'm sorry for क्योंकि मुझसे इसका जो cap है वो खो गया and the cap is just a cap, इस तरीके का cap था and transparent cap था just to secure this pump। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जाबर गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लेंजर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है और भी कुछ लिखा है, मैं देख पढ़ के सुना देती हूँ आपको। क्लेंसेस मॉइस्चराइज एंड रिफ्रेश। ओके सो इसकी जो प्राइस है दिस इज 75 रुपीज एंड द क्वांटिटी यू विल गेट 100 ml। एंड यहाँ पे कुछ मैं आपको और भी लिखे हुए मेंशन इन्होंने किया हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जाबर गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लींजर ड्राइव्स इट्स नेचुरल गुडनेस फ्रॉम जाबर गुलाबरी रोज वॉचर। इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट क्लींजर्स एंड मॉइस्चराइज वर्क्स इन थ्री वे, क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड रिफ्रेशिंग। तीन तरह से काम करता है, क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड रिफ्रेशिंग। सो या दे क्लेम दैट ये तीन तरीके से काम करता है। जाबर गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लींजर डायरेक्टली ऑन योर फेस, जेंटली वाइप योर फेस विद अ कॉटन बॉल और स्प्रे इट ऑन अ कॉटन बॉल एंड जेंटली वाइप योर फेस विद इट। जो प्रोडक्ट है दिस इज ब्यूटीफुल पिंक कलर का है, ये आप देख सकते हो। तो पिंक कलर इज वेरी रॉयल एंड प्रिटी। ओके सो मैं डेमो आपको पहले दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। ओके सो मैं इसको स्प्रे कर लेती हूँ एंड वाओ, द स्मेल इज वेरी सेम विद द स्मेल ऑफ रोज वाटर जो कि जाबर गुलाबरी की तरफ से आता है। सो मैं इस पे 3-4 टाइम कर लेती हूँ, उसको ले मतलब स्प्रे कर लेती हूँ। देन आई ट्राई दिस और माई, मैं इसको एक साइड का मेकअप हटा के आपको दिखाती हूँ क्या ये हट रहा है। गाइस कैन यू सी, वाह वल्ला, लाइक इतना अफोर्डेबल क्लींजर यू विल गेट, आप देख सकते हो। Now I will try a little bit of more, मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ एंड इस आई का डीप क्लींस। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखने की आपके आईज के अंदर ना जाए वरना आपकी आईज एकदम रेड हो जाएंगी, सो यू हैव टू जस्ट वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट नियर योर आईज। वाओ कैन यू सी गाइस, इसने सारा आई मेकअप हटा दिया, लाइक इतना अफोर्डेबल है और इतने अफोर्डेबल में आपको इतना अच्छा क्लींजर। ओके वाओ एंड या मैं थोड़ा सा और लेके थोड़ा सा लिपस्टिक भी हटा लेती हूँ, लाइक वन मैं पीछे ले लेती हूँ कि पीछे ले लेती हूँ लिपस्टिक हटाने के लिए। लेट्स ट्राई कि क्या ये लिपस्टिक भी हटा देता है। गाइस कैन यू सी दिस, आप देख सकते हो इसने कितने अच्छे से लिपस्टिक को भी हटा दिया है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। या आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विथ दिस जाबर गुलाबरी क्लेंजर एंड बिकॉज दिस इज सो मच अफोर्डेबल एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सी द रिजल्ट, इसने कितने अच्छे से हटा दिया पूरा मेकअप। पूरा मेकअप क्या, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, मैंने फेस पे बहुत मेकअप नहीं किया था बट आई डिड मेकअप ऑन माई आईज, मैंने कंसील भी किया हुआ था आई को। सो मैं फुल फेस को क्लेंज कर लेती हूँ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लेंज योर नेक, कान के पीछे भी थोड़ा सा स्वाइप अप कर लिया करने कभी कभी। ये ओके
सो व्हाट आई एम फीलिंग नाउ, अभी फैन ऑन है, सो हवा लग रहा है मेरे फेस पे एंड आई एम फीलिंग सो मच फ्रेश. बहुत ही कूलिंग सा फॉर्मूला है, डोंट नो कि क्यों इतना कूल कूल लग रहा है. बहुत ही ज़्यादा कूलिंग सा फॉर्मूला एंड द स्मेल इज वाओ, लाइक स्मेल इज सुपर ग्रेट. लाइक इफ यू लाइक द रोज स्मेल देन यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस एटलीस्ट वन टाइम. एंड इफ यू आर टीनेजर देन, अगर आप टीनेजर हो एंड इफ आर यू सर्चिंग फॉर सम अफोर्डेबल क्लिंजर विच ऑल्सो रिमूव योर मेकअप, सो दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट मेड इन इंडियन प्रोडक्ट. दिस इज डाबर गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लिंजर. तो मेरे हिसाब से आप इसे ज़रूर खरीदिए, एक बार तो आपको इसे ट्राई करना ही चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेस्ट फॉर टीनेजर एज वेल एज, अगर आप टीनेजर नहीं हो, बड़े भी हो, देन आपके लिए भी अच्छा है. एंड अगर आप मेकअप भी नहीं यूज़ करते हो देन यू नो स्कूल से आने के बाद या कोचिंग से आने के बाद या फिर कॉलेज से आने के बाद, अब जॉब से आने के बाद, अपने ऑफिस से आने के बाद, अगर आप यू नो डर्ट तो इतना ज़्यादा हो ही जाता है, लाइक इतना पोल्यूशन है कि डर्ट हमारे फेस पे हो जाता है, आ जाता है. सो उसको ये फट से क्लींस कर देगा एंड दिस इज ऑल्सो गुड बिकॉज दिस इज मेड इन इंडिया. सो ट्राई दिस एटलीस्ट वन टाइम एंड या दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लेंजर एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंड या कुछ पूछना है जस्ट कॉमेंट भी, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी. थोड़ा सा लेट हो जाता है, लिटिल बिट, बट रिप्लाई जरूर दूंगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय.